नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल हेल्पिंग सीकर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करते हैं कि अगर आपकी भी बाइक या गाड़ी पर RTO अप्रूव्ड जो नंबर प्लेट होती है वो नहीं लगी हुई है तो आपको किस तरह से ऑर्डर करना है, उसके लिए कितनी वेबसाइट बनी हुई है वो सारी इस वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएगी। RTO अप्रूव्ड देख लीजिएगा, इस तरह की नंबर प्लेट होती है जिसके अंदर यहाँ पे लोगो वगैरह, इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन कोड, वो सारी डिटेल्स इसी नंबर पे ही आपको देखने को मिल जाती है। इस तरह की नंबर प्लेट नहीं लगी हुई है तो आपका भी यहाँ पे चालान हो सकता है। तो इसके आवेदन के लिए आपको क्या करना है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे बुक माई, जो यहाँ पे देखिए आप, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये वेबसाइट है बुक माई HSRP, ठीक है। एक वेबसाइट ये है, दूसरी वेबसाइट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है realmezone.com, इसके ऊपर भी आप यहाँ पे बुक कर सकते हैं। अगर इस वाली के ऊपर आपका यहाँ पे शो नहीं होती है तो गाड़ी का नंबर या नंबर प्लेट, तो इस वाली के ऊपर आपका शो हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे रियल मेजोन वाली वेबसाइट के ऊपर हमको ऑनलाइन आवेदन करना है। अगर आपको यहाँ पे देखिए इन दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आपको यहाँ पे इस पे आना है। इस पे आके आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे कौन से स्टेट के लिए करना चाहते हैं आवेदन, उस स्टेट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको देखिए पहले ही बोल रहा है कि अगर आपका पेमेंट बैंक से रिसिप्ट जनरेट नहीं होती है सिस्टम के द्वारा, तो आपको यहाँ पे रिसिप्ट है ना वो 1 घंटे के अंदर आपको मिल जाएगी, आपको दोबारा से आवेदन नहीं करना है। तो क्लोज कर देते हैं हम इसको। अब देखिए अब यहाँ पे आपको बोल रहा है ऑर्डर HSRP, तो इसके ऊपर ऑर्डर करना है तो आपको ऑर्डर वाले पे क्लिक कर देना है। इसके ऊपर बाद में आपको यहाँ पे जितनी व्हीकल मेकर्स है, मारुति सुजुकी है, केवल यह मारुति सुजुकी के लिए ही आवेदन होगा। इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, चेसिस नंबर लिखना है और इंजन नंबर आपका यहाँ पे बाइक के RC के ऊपर या गाड़ी के RC के ऊपर देखने को मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आपको सर्च के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको जो कस्टमर सिटी है वो कस्टमर सिटी आपको यहाँ पे इसके ऊपर चूज करने की, आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से आपने बाइक लिया, बाइक या गाड़ी ली थी, वो चूज करने के बाद आपके यहाँ पे नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पे आपको बोल रहा है कि आपने जो फाइलमेंट लोकेशन चूज करी है उसके बाद आप चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपको ओके पे क्लिक करना है। मंथ आप यहाँ पे चूज करना है कि आपको जो है फिटमेंट कैलेंडर यानी आप किस तारीख को चूज करना है उसी तारीख को आपको जाके वो बुक करानी होगी। जब देखिए यहाँ पे हमारे डीलर हैं जो भी हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पे 15 तारीख सेलेक्ट कर लेते हैं, 15 तारीख कितनी बजे आपको जा सकते हो वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। अब आपको यहाँ पे देखिए आपको फर्स्ट नेम लिखना है जो RC के ऊपर है, मिडिल नेम लिखना है और लास्ट नेम आपको यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद आपको मोबाइल नंबर लिखना है जिसपे एक ईमेल आएगी, जिसपे एक OTP आएगी। इसके बाद ईमेल लिखनी है जिसपे आपका जो रिसिप्ट है वो आ जाएगा। यहाँ पे व्हीकल का क्लास आपका यहाँ पे प्राइवेट है या हैवी लाइसेंस हैवी व्हीकल है या जो लाइट व्हीकल होते हैं प्राइवेट उसको वो है। तो अब इसके बाद व्हीकल टाइप, इसके बाद आपकी सिटी देखने को मिल जाएगी, इंजन नंबर, चेसिस नंबर पहले से देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पे आपको अमाउंट भी शो हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको व्हीकल मॉडल नंबर लिखना है और कैप्चा कोड डाल के आपको प्रोसीड का ऑप्शन है उस पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे आपके यहाँ पे जो मोबाइल नंबर दिया है आपने उसके ऊपर एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पे डाल के आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑनलाइन जो जितनी भी रसीद दिखा रही है, यहाँ पे 495 रुपये का रसीद दिखा रहा है, तो वो आपको यहाँ पे ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है। पे ऑनलाइन पे आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे जिस भी कस्टमर के नाम पे वहाँ है ना उसका नाम शो हो जाएगा। इसके बाद पे ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप QR कोड जिसके माध्यम से भी आप करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग या UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जिस भी माध्यम से करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे QR कोड के माध्यम से करना चाहेंगे तो हम यहाँ पे QR कोड को सिलेक्ट कर लेते हैं, या आप अगर अन्य किसी भी चीज़ को करना चाहते हैं तो आप उससे कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे QR कोड या नेट बैंकिंग जो भी है हम यहाँ पे क्रेडिट कार्ड से यूज कर लिए हैं, तो क्रेडिट कार्ड के OTP हमारे यहाँ पे आ चुके हैं। क्रेडिट कार्ड की OTP हमने यहाँ पे आई है वो दर्ज कर दी है। इसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। सबमिट के ऑप्शन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ सामने यहाँ पे एक रसीद जनरेट हो जाएगी। इस रसीद को आपको यहाँ पे प्रिंट आउट ले लेना है। अगर प्रिंट आउट ना ले तो आप यहाँ पे इसको डाउनलोड करके सक्सेसफुली सेव रख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको गाड़ी का नंबर, जो भी डिटेल्स है वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, जिसमें आपको यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर पे यहाँ पे देखने को मिल जाता है कि किस डेट को आपको जो है आपको जाना होगा
फिट करवाने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।